हेलो फ्रेंड्स, आपका इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपके लिए एक न्यू गवर्नमेंट जॉब DRDO में है, जिसकी पोस्ट की बात करें तो 1061 पोस्ट पर ये वैकेंसी होने वाली है। और इसकी ऑनलाइन डेट की बात करें तो आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 7 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है, और 7 नवंबर 2022 से ये फॉर्म आज से स्टार्ट हो रहे हैं, और 7 दिसंबर 2022 तक ये फॉर्म चलेंगे। और इसकी आगे योग्यता और उम्र और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ दे रखा है सब कुछ। और इसमें सबसे फर्स्ट पोस्ट है, इसके लिए हमारे को दे रखा है 0301 जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर। इसके लिए हमारे को योग्यता की बात करें, मास्टर डिग्री ऑफ रीजनल यूनिवर्सिटी इन हिंदी इंग्लिश कंपलसरी, यानी मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है इंग्लिश और हिंदी के बारे में ट्रांसलेट की। और इसकी एज की बात करें तो 30 वर्ष एज है, और बी ग्रुप में ये वैकेंसी है। और फिर अगली पोस्ट की बात करें तो स्टेनो ग्रेड फर्स्ट, इसमें बैचलर डिग्री ऑफ ए रीजनल यूनिवर्सिटी की दे रखे। और इसमें स्किल टेस्ट होगा, जिसमें 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनिमम ट्रांसलेट ऑफ मिनट इंग्लिश की टाइपिंग करनी रह पड़ेगी। और इस पे योग्यता ही बात करें तो बैचलर डिग्री है, और ये बी ग्रुप की ये पोस्ट है, और इसमें 30 वर्ष एज दे रखी है। और फिर अगली पोस्ट की बात करें तो यही पोस्ट स्टेनो ग्रेड सेकंड की है, इसमें 12वीं पास के लिए दे रखी है। और इसमें आयु की बात करें तो 18 से 27 वर्ष और ग्रुप सी में है, और इसी में यही टेस्ट होगा, कंप्यूटर टाइपिंग बेस्ड टेस्ट। और फिर इसमें इंग्लिश टाइपिंग के लिए है, फिर हिंदी टाइपिंग के लिए, फिर इंग्लिश टाइपिंग के स्टेनो के लिए है, और फिर स्टोर असिस्टेंट के लिए दे रखी है पोस्ट, स्टोर असिस्टेंट के लिए दे रखी है पोस्ट, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए दे रखी है। इसमें 12वीं कक्षा के लिए है, और इसमें 18 से 27 वर्ष उम्र, और ये इसी ग्रुप में है, और ये सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रुप ए में दे रखी है, ये ग्रुप सी में वैकेंसी है। और ये इसके लिए 12वीं कक्षा होना अनिवार्य है। और सबसे मोस्ट पोस्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है व्हीकल ऑपरेटर ए, और इसमें योग्यता 10th स्टैंडर्ड के लिए है। और सबसे पहले इसमें ड्राइविंग लाइसेंस 3 वर्ष का एक्सपीरियंस, यानी 2 वर्ष एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और इसके साथ ही मोटर मैकेनिक का ज्ञान होना ज़रूरी है। और इसमें एक्सपीरियंस के लिए 3 वर्ष का मिनिमम एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस। और एज की बात करें तो 27 वर्ष उम्र, 27 वर्ष दे रखी है, और ग्रुप सी में। फिर फायर इंजन ड्राइवर ए, इसमें 10th पास है क्वालिफिकेशन के लिए, और ये वैलिड 2 वर्ष के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ट्रैफिक रूल्स का होना चाहिए, और फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, 18 से 27 वर्ष उम्र है। और फिर है फायरमैन, सबसे महत्वपूर्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी 10वीं 12वीं पास होना ज़रूरी है, और इसी के साथ फिजिकल फिट होना चाहिए, 18 से 27 उम्र है, और ग्रुप सी में है ये वैकेंसी। और फिर इसमें वैकेंसी की बात करें तो सब में अलग अलग वैकेंसी दे रही है। जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर में EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, UR के लिए 29 पोस्ट है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट के लिए 146 पोस्ट है, और 123 पोस्ट है स्टेनोग्राफर सेकंड के लिए, और असिस्टेंट के लिए 250 पोस्ट रखी है, और हिंदी टाइपिस्ट के लिए 12 पोस्ट है, इंग्लिश टाइपिंग के लिए 134 पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंट के लिए हिंदी टाइपिंग के लिए 4 पोस्ट है, और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 41 पोस्ट दे रखी है। और व्हीकल ऑपरेटर के लिए 145 पोस्ट है, फायर इंजन ड्राइवर के लिए 18 है, और फायरमैन के लिए 86 है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 1061 पोस्ट पर ये वैकेंसी होने वाली है।
और इसमें एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर अलग अलग दे रखे हैं। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आगरा, अहमदाबाद, भोपाल, भोपाल, कानपुर, जोधपुर, जम्मू, जयपुर, जबलपुर, अलग अलग जगह अलग अलग दे रखे हैं। इसी में से तीन सेंटर चूज करने हैं एग्ज़ाम के लिए, कोई से भी हम अपने हिसाब से देख सकते हैं। और फिर इसमें मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग के लिए दे रखे 1600 मीटर 7 मिनट दे रखे रनिंग होगा। उसमें 800 मीटर के लिए 5 मिनट, फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट में ये दे रखे। और 6x6 हमारी आंखें का होना ज़रूरी है और कोई भी कलर रिविजन नहीं चलेगा इसमें। और हाइट की बात करें तो 1.65 मेल के लिए मिनिमम और 181 चेस्ट, और महिला के लिए 157। और इसमें ये पोस्ट कोड के माध्यम से एग्ज़ाम होगा, यानी कि जूनियर ट्रांसलेट के लिए इसमें जनरल हिंदी 40 नंबर, जनरल इंग्लिश 40 नंबर ये पेपर होगा। और बाकी सब के लिए 75 नंबर का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये होगा। और स्किल टेस्ट सिर्फ ऑल फॉर 0.3 के लिए फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट अवेयरनेस होगा। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतनी बात करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।